आफ्ताब। रिसेंटली यूएन की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2024 में पृथ्वी पर वही सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट दोबारा से घटने वाले हैं, जिसे हमारी पृथ्वी ने साल 1982 में देखा था। पृथ्वी पर खतरनाक महामारी द ब्लैक डेड का पैंडेमिक आ गया था विश्व भर में, जहाँ बाढ़ के मारे जमीन डूब रही थी। उसी दौरान पृथ्वी के दूसरे भाग में एक्सट्रीम फेमिन और बूस्ट फायर हो रहे थे। Raises the weather machine to a fevered pitch. And today we've had that confirmation coming from the US scientists saying it is actually happening. Temperature. Earth is increasingly experiencing extreme weather. All agencies are expecting an El Nino to arrive. It's just that the Americans have said it's arrived today. दरअसल 1982 में नॉर्थ और साउथ अमेरिका में काफी दिनों के लिए लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से अमेरिका में इंसेफलाइटिस नाम के बीमारी ब्रेन डिसऑर्डर का आउटब्रेक हुआ था, और देखते देखते 2000 लोगों की जाने चली गई। और साथ ही उसी वक्त उस कॉन्टिनेंट का एक स्टेट न्यू मैक्सिको उस वक्त प्यूवोनिक प्लेट की वजह से 14 सेंचुरी में आए ब्लैक डेथ की जैसी हालात झेल रहा था। और वहीं पर साउथ अमेरिका के पीरू ने तो अब तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री हाईएस्ट रेनफॉल दर्ज कर दिया था। और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका सेम समय पर ये सारे कॉन्टिनेंट एक्सट्रीम डस्ट स्टॉर्म और सूखा यानी कि ड्राउट के शिकार हो चुके थे। जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि उस दौरान पृथ्वी दो एक्सट्रीम किस्म की आपदाएं झेल रहा था। ऑल एट अ सेम टाइम उसी दौरान पृथ्वी पर इतनी तेज हवाएं बह रही थी कि पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को ही चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से दिन 0.02 मिली सेकेंड तक लंबा हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखने पर दोनों इवेंट काफी अनरिलेटेड लगेंगे, बट लेट मी टेल यू, इन दोनों कंस्ट्रक्टिंग क्लाइमेट कंडीशन के पीछे एक ही वेदर फिनोमिनान के हाथ हैं, एल नीनो, जिसे सबसे पहले पीरू के एक फिशरमैन ने एब्जॉर्ब किया था। 15 सेंचुरी में पीरू के फिशरमैन ने ये नोटिस किया था कि पैसिफिक ओशियन एक साइक्लिकल माइनर में गर्म और ठंडा हो रहा है, खास करके दिसंबर के दौरान उसका टेम्परेचर अपने पीक पर होता था। अब कोइंसिडेंटली इस साइकिल का पीक एकदम क्रिसमस के साथ मेल खाता था, और इसीलिए उन फिशरमैन ने इस साइकिल को एल नीनो डे नाविदाद यानी कि द लिटिल बॉय ऑफ क्रिसमस नाम दे दिया। लेकिन इसके कुछ समय के बाद पीरू के लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि एल नीनो की वजह से सिर्फ पानी का तापमान ही नहीं बढ़ता, बल्कि उससे भारी मात्रा में बारिश भी होती है, और यहाँ तक कि समुद्र के साथ साथ जमीन के जीवों को भी इफेक्ट करता है। अब उस वक्त पीरू के लोग इस लोकल वेदर फिनोमिनान को समझने लगे। जैसे इंडिया में इनफॉल एक लोकल फिनोमिनान है, पर उन्हें वो बात पता नहीं थी कि एल नीनो की वजह से जब पीरू में बारिश गिरती थी तो वहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया जैसी कंट्री में सूखा पड़ जाता था। और अब साइंटिस्टों की माने तो 2023 के एंड तक अब तक की सबसे डेडली सुनामी आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।